तू उधर ध्यान देना। ये पहन देगा दोनों आंख फोड़ दूंगा, आंख सीधा कर रहा है। ये क्या था यार, मैंने सुन लिया बहुत कुछ। हम अब मैं थोड़ी देर शांत बैठूंगा। अब सच बता क्या बोला, लेस खिलाओगे? हाँ देखो मैंने ये कहा केसर भी है ना, दो लेस के पैकेट मंगा रहे हैं। उन्होंने कहा दो क्या, तू चार ले जा भाई। तभी तो है तुम्हारे पास। Hey guys, good morning, welcome back again with a new video. So guys, कैसे आप सब? बहुत ही बढ़िया, hopefully आप सब बेच चुके। So guys, अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock और मैं रेडी हो चुका हूँ। क्योंकि मुझे जाना है वापस से सर्विस सेंटर, क्योंकि एक्सीलेटर वायर जो थी ना वो कल अवेलेबल नहीं थी। उसने बोला कि कल मॉर्निंग में ही आ जाना, कल लगा दूंगा 9 बजे के बाद किसी भी टाइम आ जाना। तो अभी 10 बज रहे हैं, तो पापा के ऑफिस जाने से पहले वो लगवा देता हूँ। तो पूरा पैक हो गया, ऑटो पर भी डाल लूँगा क्योंकि ठंड। अभी दिखाऊँगा बाहर कितना कोहरा हो रहा है। 10 बज चुका है लेकिन कोहरा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो निकलेंगे अभी, पहले चाय वगैरह पीते हैं। ऊपर से आ गया था 9:30 बजे, अपने रूम से आ गया था नीचे, अब चाय वगैरह पीते हैं फिर निकलते हैं। चाय आ चुकी है, ठंड की सबसे बेहतरीन चीज़ चाय, चाय पी के निकलते हैं। सो गाइस, मैंने पूरा पैक कर लिया, अब मम्मी मफलर देने आई है, कह रही है ये भी ले लेंगे। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई, दिखाता हूँ कोहरा बहुत ज़्यादा। कोहरा देखो, कोई गएगा अभी 10:30 बज रहे हैं। 10:30 बजे ये हाल है तो सुबह का हाल होगा भाई, काफी भयंकर ठंड है यार। जब तक काम रहा तब तक आग के पास ही बैठते हैं। अभी टाइम लग जाएगा आधा घंटा और, आग जला रखी है भाइयों ने बाहर। सो आग के पास ही बैठते हैं हम भी। स्कूटी रेडी हो चुकी है पूरी, चलते हैं सीधा घर, मिलता हूँ आपसे। सो गाइस, घर पहुँच चुका हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11:21 और जल्दी आ रही है। आज भीड़ वगैरह कुछ नहीं, सबसे पहला नंबर मेरा ही था। सो ये खोलते हैं, बाहर जाने की वजह से पूरा पैक होके गया था मैं। So, गरम होते हैं। पापा स्कूटी चलाएंगे, बोलेंगे स्कूटी तो बिल्कुल नहीं हो गई। तो गाइस, हमारे गले में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द और गला बिल्कुल जाम हो रहा है। सो आप लोगों के लिए भी एक काढ़ा बताता हूँ मस्त, आप लोग भी ट्राई करना, मैं भी बनाता हूँ अभी। सबसे पहले हमें पानी बॉयल कर लेना है, मतलब जितना पीना उससे ट्रिपल पानी चाहिए हमें, मतलब इतना काढ़ा बना रहा हूँ तो उसका ट्रिपल। इतना पानी मैंने बॉयल करने के डाल दिया और हमें इसमें पीसना है, ये डाला है 3 इलायची और क्या था, अच्छा तो ये 5-6-7 काली मिर्च, ये भी इसमें डाल देनी है। और फाइनली लौंग, 3 लौंग लिए मैंने। सो अब इसको करते हैं, क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं इसको, क्रश करके इसमें बॉइल, इसमें डाल के बॉइल करना है। उसके बाद काढ़ा तैयार हो जाएगा। इसको मतलब इतना वापस से जब तक ना हो जाए तब तक बॉइल होने के लिए छोड़ दो, जब इतना वापस से पानी बिल्कुल कम हो जाए उसके बाद पीना है काढ़ा। सो पीते हैं। गला बिल्कुल जाम रखा है, आवाज़ भी चेंज लग रही होगी मेरी। सो ये काम करते हैं, और मम्मी और गोलू ऊपर गए हैं बड़ा रूम में साफ़ सफाई करने, तक हम ये काम कर लेते हैं।
गाइस इसमें मैंने थोड़ा चाय पत्ती भी डाल दी है, तो थोड़ा आप चाय पत्ती भी डाल सकते हैं। कुछ इस तरह का मसाला तैयार होगा, उसको हमें डाल देना है इसमें। गाइस इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देना है हमें आराम से हल्की फ्लेम करके। गाइस ये डालते के साथ इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है ना कि इसकी खुशबू से ही गला सही हो गया मेरा, देख रहे हो आवाज़ भी चेंज हो गई है, जोक सपाट गई। अब वेट करते हैं तो टीवी देख लेते हैं। तो गाइस ना अदरक डालना तो भूल ही गए थे, अभी अदरक डालते हैं, ज़्यादा बॉयल नहीं हुआ है तो डाल देते हैं। तो गाइस ये उबल के काफ़ी कम हो गया, ज़्यादा कम हो गया। अब इसको छानते हैं कप में और देख लेते हैं। टाइम आ चुका है वो चीज़ करने का जो कि आपको मेरे ब्लॉग और भी सारे यूट्यूबर्स के ब्लॉग में देखने के लिए मिल रहा होगा, आग जलाने को। तो चलते हैं आग जलाने। अंबर और गोलू बाहर जा चुके हैं, मतलब अंबर भी आ चुका है अपने घर से बाहर और गोलू भी बाहर है, लकड़ी वकड़ी तोड़ने की आवाज़ आ रही है बाहर से। चलते हैं बाहर और दिखाते हैं, बैठते वहीं तो क्या हाथ फंस गया अंदर। सो गए, इतनी मस्त आग जला रही है हमने, और सुमित भी आ गया अभी। अभी अंबर गया है, बोल रहा कि मैं दुकान से चिप्स लेके आता हूँ आपके नाम पे, देखते हैं चावल लेके आता है कि नहीं। देखो दे दिया भैया, क्या बोले तूने काजल से बात करने के लिए है? क्या बोला काजल से? मैंने कहा काजल से अच्छा वो तुमसे क्यों मंगाएंगे हैं, उनको लेके आओ तो फिर बुला रही है। अब जाके बोल केशव भैया, बोल बोले कि पैसा तू देगा। अब बोल केशव भैया मंगा रहे हो। हाँ नहीं ग्रीन, हाँ पक्का उठा तो मंगा इधर साइड से, मैं जल जा रहा हूँ। माउंटेन ड्यू उस साइड जली नहीं थी, इसलिए उठा लिया। हाँ उस साइड जली नहीं। अंबर कहाँ गया? लेने चल इस बार दे देंगे। हाँ बता नहीं देंगे, देखते हैं लाता है कि अगर ले आया और काले ने पाल लिया तो मान लिया। काजल अगर मुझसे पैसे मांगते मैं तो बोलूँगा कि ऐसे कोई भी कुछ भी मांग कर दे दूँ। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? नाम ब्लॉक के खाने के लिए देख ब्लॉग के नाम पे। क्यों तो ब्लॉगर को तो खिला लो दोबारा कैसे मांगा। अब सच बता क्या बोला? लेस खिलाओगे? हाँ लेस तो। हाँ देखो मैंने ये कहा केसर भी है ना, दो लेस के पैकेट मंगा रहे हैं। उनने कहा दो क्या, तू चार ले जा भाई है। मैंने कहा दीदी ये दो ही दे दो हमारे, हम इतने ही खाएंगे। हाँ उनने कहा ठीक है। मेरे नाम पे आया ना? अच्छा आपके नाम पे आया, लेके मैं आया हूँ, लेके मैं आया हूँ। सो गाइस आग में सबसे ज़्यादा खतरा रहता है ये जो इसके पार्टिकल्स उड़ के गिरते हैं ना, ये पेंटो वेंटो पे गिर जाते हैं तो जलने का खतरा रहता है। सो गाइस पापा भी आ चुके हैं, पापा से पूछते हैं कि स्कूटी कैसी चल रही है, पापा का भी रिव्यू लेते हैं। स्कूटी अब चलने में कैसी है? अब स्कूटी चलने में कैसी है? अभी से ही कोहरा है, पूरा कोहरा भरा हुआ है, कोहरा दिखाई दे रहा है, रास्ते में हाईवे से नजर नहीं आ रहा है। आजकल बहुत भयंकर हो रही है, इसलिए कहता हूँ अंबर बाहर मत निकल कर।
क्यों बाहर तो आप ही निकल लो, बाहर निकलने में कौन मना कर रहा है? कुछ तो खा ही नहीं देगा। गाइस आग भी खत्म, अब चलते हैं वापस घर के अंदर। अंबर का बहुत अच्छा टाइम पास हो गया, अंबर ने हमारा बहुत अच्छा टाइम पास किया। और 10 रुपए देने हैं दुकान वाली के? मैं क्यों दूंगा? अच्छा ब्लॉगर के नाम पे लाया, और ब्लॉगर कैसे कंजूसी कर रहा है? ब्लॉगर नहीं ब्लॉगर। हां बे वही। खाना बन चुका है, अभी खाना बन गया। बोलूं क्या बना है खाने में? दाल चावल भुजिया। So, दाल चावल और भुजिया बनाए, और सुमित हमें क्या रखे हैं अभी? और अमित हाय गाइस बोल। हाय गाइस। हेलो हाय गाइस बोल रहे हैं। सब खाना खाते हैं। ये क्या कर रहा है? आइए क्या रहा? आइए आइए। सब बोल रहे हैं, सब डलेगा, धमकी दी जा रही है। गाइस बोला वो तो सुनाई देगा ही। गाइस पी लो गाइस। सो गाइस देख लो मेरा व्लॉग, देखा जा रहा है यहाँ पे। भाई मम्मी देख रही आज कैसा भैया मोमोज नहीं मंगवाए। रोज रोज मोमोज क्यों खाना है? हैं पता नहीं, चीन में एक औरत मर गई थी मोमोज की चटनी खा के। मोमोज की मैं चटनी खा रहा हूं, मैं मोमोज खाता हूं ना भाई। हैं अरे हां चलो ये पहन देगा दोनों आंखें फोड़ दूंगा, आंख सीधा कर रहा है। ये क्या था यार? मैंने सुन लिया बहुत कुछ, अब मैं थोड़ी देर शांत बैठूंगा। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और कुछ मत करना। सो गाइस खाना पीना खा लिया है, और ये सुमित अमित लगे हैं पढ़ाई करने में, और हम भी सीधा ऊपर जाएंगे, बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, और सीधा जाकर ऊपर सोऊंगा। सो इस वीडियो को यहीं पे करता हूं एंड, और मिलता हूं कल आपसे एक और बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। और दिल से थैंक यू जो बंदे ब्लॉग देख रहे हैं यार, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जो बंदे देख रहे हैं उसको दिल से थैंक यू, और मिलते हैं कल आपसे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। अब है जो है सुमित, ये क्या कैलकुलेट कर रहा है भाई? हैं काम का है भाई, कुछ बता तो। जैसे कि पैरामोज वाला कितना कमाते हो? पढ़ ले, तू उधर ध्यान दे ना। ये देखो ना यार।